धरमजयगढ़ थाने में 12 अगस्त 2022 को नंदलाल पैकरा ने प्रभार संभाला है। प्रभार लेते ही कैसे अपराध कम हो, इस पर काम करना शुरू किया। थाना प्रभारी ने अपराध कम करने के लिए क्षेत्र में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर लगाम लगाने की हर प्रकार का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि इनके प्रभारी बनने के बाद धरमजयगढ़ थाने क्षेत्र में गंभीर अपराध घटित नहीं हुआ। क्षेत्र में अपराध घटित न हो, इसके लिए गश्ती दलों को निर्देशित किया कि रात में घूमने वाले या फिर किसी प्रकार के अपराध घटित करने वालों पर प्रतिबंधित कार्यवाही लगातार करते रहें। थाना प्रभारी पैकरा के निर्देश पर जुआ, सट्टा, शराबखोरी पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मात्र 4 माह में धरमजयगढ़ थाने में इतने अधिक मात्रा में प्रतिबंधित कार्यवाही करते हुए गंभीर अपराध पर प्रतिबंध लगाया है। लगातार प्रतिबंधित कार्यवाही का ही नतीजा है कि क्षेत्र में गंभीर अपराध घटित नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नगर या उसके आसपास शराबखोरी करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। शराबखोरी करने वाले खुलेआम सड़क में बैठकर शराबखोरी करते थे, लेकिन थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा द्वारा शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूमकर शराबखोरी करने वालों पर लगातार 36 चा की कार्यवाही से शराबखोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभारी पैकरा द्वारा थाना क्षेत्र में किसी प्रकार से शांति भंग न हो, इसके लिए ऐसे लोग जो क्षेत्र में अशांति फैला सकते हैं उन पर लगातार प्रतिबंधक कार्यवाही करते हुए अपराध पर रोक लगाने में सफलता हासिल की है। धरमजयगढ़ से स्टेट कोऑर्डिनेटर उमा यादव की रिपोर्ट।